हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी माइंडर्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम पॉलिसीज के विषय में, जिसमें मैं बताई थी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा कौन कौन से करिकुलम में सुधार किए गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत करिकुलम में कौन कौन से सुधार किए गए। तो इसके जो दस्तावेज पेश किए गए थे वो 12 भागों में विभाजित थे, जिसमें पहला इंट्रोडक्टरी है। इंट्रोडक्टरी के अंतर्गत इसमें भूमिका के विषय में बताई गई है कि क्या रोल है नई शिक्षा नीति की। तो इसमें 10+2+3 का कॉन्सेप्ट दिया गया, मतलब शिक्षा का स्तर को 10+2+3 का एक संरचना प्रदान किया गया। 10+2+3 दैट मीन्स कि 10th के बाद +2 इंटरमीडिएट एंड 3 इयर्स का डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्सेज की बात की गई थी। और इसमें यह बोला गया था कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरे भाग में द एसेंशियल एंड रोल ऑफ एजुकेशन दैट मीन्स शिक्षा का सार और उसकी भूमिका की बात की गई। और तीसरे भाग में नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में क्या क्या होनी चाहिए इस बात को स्पष्ट किया गया, और सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान किया जाए इस बात पर भी ध्यान दिया गया। और इसमें यह भी बोला गया कि प्रथम 10 वर्ष के लिए अनिवार्य रूप से कोर करिकुलम को तैयार किया जाए और राष्ट्रीय मूल्यों एवं वैज्ञानिक नियमों को भी विकसित किया जाए या वैज्ञानिक मूल्यों को भी विकसित किया जाए। फोर्थ में यहाँ पर बोला गया एजुकेशन फॉर इक्वालिटी अर्थात समानता के लिए शिक्षा, जिसमें महिला ST SC OBC विकलांग प्रौढ़ों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पांचवें भाग में एजुकेशन फॉर डिफरेंट स्टेजेस मतलब शिशुओं की देखभाल और उसके शिक्षा की बात की गई, और साथ में ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना पर भी बल दिया गया। नेक्स्ट है छठा टेक्निकल एवं मैनेजमेंट। छठे भाग में यहाँ पर तकनीकी एवं प्रबंधित शिक्षा को महत्व दिया गया। और फिर सातवें भाग में मेकिंग द सिस्टम वर्क अर्थात कि शिक्षण व्यवस्था को कारगर बनाने और शिक्षकों की जवाबदेही तथा विद्यार्थियों को कर्तव्यों से बोध कराने पर फोकस किया गया। आठवें भाग में कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन की बात की गई, दैट मीन्स कि यहाँ पर शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को एक नया मोड़ देने के लिए बताया गया। उसके बाद फिर इसमें यह भी बोला गया कि भारतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ गणित एवं विज्ञान की भी शिक्षा एवं स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं जैसे खेलकूद नाटक इन सारे पर बल दिया जाए। नवें भाग में यहाँ पर द टीचर दैट मीन्स कि टीचर्स पर विशेष ध्यान दिया गया, टीचर्स के महत्व को स्वीकार किया गया और उनके वेतनमान और फिर उनके प्रशिक्षण के लिए सुझाव दिए गए। दसवें भाग में मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के प्रबंधन पर फोकस किया गया। ग्यारहवें भाग में रिसोर्स एंड रिव्यूज दैट मीन्स कि संसाधन तथा समीक्षा के विषय में बताया गया कि कौन कौन से संसाधन को किस तरह से यूज किया जाए और उसकी समीक्षा की भी बात की गई, जैसे भवन फर्नीचर इन सारे के संसाधनों का, बिल्डिंग ये सारे का क्या यूज किया जा रहा है और उसका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसका रिव्यू भी टाइम टू टाइम किया जाए। बारहवें भाग में द फ्यूचर दैट मीन्स कि इसमें यह बात बोला गया कि 100% साक्षरता होनी चाहिए और इस बात को फोकस किया गया और इस बात को ध्यान में रखा गया। फिर नवंबर 1968 में प्लान ऑफ एक्शन नामक एक दस्तावेज पास किया गया और यह कार्य योजना जो थी वो 12 भागों में विभाजित थी और यह अलग अलग भागों में शिक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों के विषय में जिक्र किया गया। क्योंकि हम लोग को स्पेशली कैरिकुलम पर फोकस करना है कि हर शिक्षा नीति में कैरिकुलम के लिए कौन कौन से संशोधन किए गए, कौन कौन से प्रस्ताव दिए गए, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। आप इसके लिए बुक्स लाइब्रेरी से प्रीफर कर सकते हैं और उसमें आप पूरा उसका डिटेल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इसके द्वितीय भाग में ब्लैक
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की गई, अर्थात इसमें यह बोला गया कि स्कूल का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए इतना जगह होना चाहिए, उसमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी होनी चाहिए, कमरे सफिशियंट कमरे होने चाहिए, ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के बैठने के सफिशियंट स्पेस होने चाहिए, और उसके बाद फिर उसमें स्टूडेंट्स के लिए जो रूम हो वो हवादार रूम हो और स्टूडेंट्स उसमें अच्छे तरीके से पढ़ कर बैठ कर अध्ययन कार्य कर सके। तो इन सारे बातों पर फोकस किया गया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अंतर्गत पाठ्यक्रम के लिए कौन कौन से बातें कही गई। रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पाठ्यक्रम के अंतर्गत रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्रित और आवश्यकता एवं रुचि पर आधारित व्यवसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सम्मिलित करने पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, क्योंकि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कैरिकुलम के अंतर्गत कौन कौन से रिव्यू किए गए, कौन कौन से संशोधन किए गए, इसलिए मैं सिर्फ कैरिकुलम को ही फोकस करके आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसे इसमें बहुत सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे जिसे आप बुक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यशपाल समिति 1992-93 के अंतर्गत कैरिकुलम में कौन कौन से संशोधन किए गए। यशपाल कमेटी 1992-93 के अंतर्गत यह कहा गया कि स्कूली पाठ्यचर्या का निर्माण विद्यालयी शिक्षाओं और शिक्षार्थियों के लिए करवाया जाना चाहिए और इसके अंतर्गत विषयगत विषयों को अर्थात विषयगत पाठ्यक्रम को विस्तृत किया जाना चाहिए और साथ में जो निचली कक्षा में होते हैं वहाँ उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइट टू एडुकेशन 9 के अंतर्गत यह बोला गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और साथ में जो भी कैरिकुलम तैयार किया जाएगा उस पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह सरकार के द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा प्राधिकार अर्थात परिषद संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। नेक्स्ट है कैरिकुलम ऑफ मॉडर्न प्राइमरी एजुकेशन अर्थात आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। आधुनिक प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो 10+2+3 की जो शिक्षा की संरचना दी गई थी उसकी पहले घोषणा की गई। उसके बाद 1974 में NCERT ने प्रथम 10 वर्षीय कैरिकुलम की रूपरेखा तैयार की और उसमें कोर कैरिकुलम को स्थान दिया गया। और इसको फिर 3-4 बार रिवाइज किया गया, 3-4 स्तरों में इसी को रिवाइज किया गया और इसके अनुसार कुछ प्रांतों में पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाने लगा। उसके बाद फिर नई शिक्षा नीति 1983 की घोषणा की गई और 1983 में 10+2+3 की जो संरचना थी उसे पूरे देश में लागू अनिवार्य रूप से करने की बात की गई। अनिवार्य रूप से लागू करने की बात की गई। उसके बाद फिर NCERT ने 1988 में 10 वर्षीय पाठ्यक्रम को रिवाइज किया, उसी तरह 2000 में भी उसे रिवाइज किया गया और फिर लास्टली
2005 में चौथा आधारभूत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया और जिसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ विस्तृत पाठ्यक्रमों को डाला गया। आगे हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से पाठ्यचर्य को डाला गया। इसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए सबसे पहले मातृभाषा, जिसमें क्षेत्रीय भाषा को स्थान दिया गया। इसके बाद अंग्रेजी, गणित, एकीकृत व्यवसायिक या एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के बाद कला एवं शिल्प, स्वास्थ्य शिक्षा पर फोकस किया गया और इसमें शारीरिक शिक्षा को भी ऐड किया गया। और साथ में कार्य अनुभवों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा गया। तो ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। उसी तरह 6 से लेकर 8 तक के लिए भी यही सारे सब्जेक्ट थे, जिसमें एक सामाजिक विज्ञान, जिसमें मातृभाषा, ये कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए मातृभाषा, जिसमें क्षेत्रीय भाषा तो थी ही, प्लस इंग्लिश थी, गणित थी, और इसके जगह पर विज्ञान की शिक्षा को महत्व दिया गया, विज्ञान की शिक्षा को स्थान दिया गया और साथ में सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को भी स्थान दिया गया। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सारे विषयों को स्थान दिया गया। साथ में स्वास्थ्य शिक्षा को भी महत्व दिया गया, स्वास्थ्य शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया और एक आधुनिक भारतीय भाषा को इसके अंतर्गत रखा गया। इस तरह एक संरचना पाठ्यक्रम के लिए बनाई गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे आप लोगों को बताऊंगी कि और बहुत सारे रिवाइज पाठ्यक्रम के अंतर्गत किए गए हैं।